अरे कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो टेक्निकली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को शॉर्ट में के बोलते हैं, और कोई बात नहीं। एक्चुअल कांस्टेंट जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन। और एप्साइलन नॉट मतलब क्या, कि मतलब एप्साइलन इन वैक्यूम, यही अंदर ई डब्ल्यू दिया रहता है। एप्साइलन डब्ल्यू मतलब एप्साइलन ये होता है तुम्हारा परमिटिविटी कांस्टेंट। वो तुम्हारा मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। वैक्यूम के केस में इसको एप्साइलन नॉट बोलते हैं, वाटर रहता है तो एप्साइलन डब्ल्यू बोलते हैं, कुछ और मीडियम ऑयल रहता है तो एप्साइलन ऑयल बोलते हैं। सही है ना। हेलो, एक्चुअल कांस्टेंट जो है वो ये है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसको शॉर्ट में के बोलते हैं। जैसे अब अगर तुम लिखता है एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो इसी को सीधा बोल देते हैं K Q1 Q2 अपॉन R². अब इससे दो फायदा है। फायदा यह कि एप्साइलन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10^-12। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो बार बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा, उससे अच्छा है कि इसको अगर सीधा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट का ही अगर वैल्यू याद कर लो, कि ये वैल्यू होता है 9 × 10^-9, तो ये ज्यादा सही है। इसलिए सीधा तो हम लोग इसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, कि ये मेरा के जिसका वैल्यू ये है। अरे सही है ना। हेलो, यस परमिटिविटी क्या होता है सर? परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम में, मतलब कितना वो एक्चुअली परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने के लिए। सिमिलरली जब तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जब आएगा ना, तो उसमें आएगा तुम्हारा परमिएबिलिटी। दो टर्म है, देखो जैसे हम ये चीज पहले भी तुमको बताए थे कि तुम्हारे सिलेबस में तीन टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। कौन कौन सा? एक तुम्हारा ग्रेविटेशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम भी वो लोग काम करता है, इन मीडियम में काम करता है और सेम फोर्स लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के साथ, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों के लिए मीडियम डिपेंड करता है कि बीच में रखे क्या हो। तो बीच में जब रखे हो तो वो या तो अपोज कर रहा होगा या सपोर्ट कर रहा होगा, कुछ तो भाई वो एक्चुअली कर रहा होगा। अब वो कितने हद तक अपोज सपोर्ट कर रहा है, इसी चीज को हमको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन केस ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स। यही अंदर मैग्नेटिक फोर्स रहता है, तो उसके लिए नया टर्म आता है, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे, उसमें तुमको आएगा परमिएबिलिटी। परमिटिविटी कुछ नहीं है, बस वो एक फैक्टर है जो ये चीज बताता है कि हाँ भाई मीडियम कितना हद तक सपोर्ट या अपोज कर रहा है। अरे समझ में आया बात? हेलो, यस सर। और कोई डाउट? अरे ठीक है ना, अब क्या बढ़ जाए तो आगे। हेलो, अरे हाँ ना, तो बोलो ना यार। यस सर। यस सर। चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक फटाफट देख लेते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस दिन शुरू करा करके फिर पता नहीं कल तुम लोग कहाँ हमको लेके चला गया। बोलना नहीं था ना कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक रीजन है, रीजन वेयर वी कैन फील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये एक रेंज है, एक एक ना मतलब रीजन है जहां पर इस फोर्स को फील किया जा सके। सिमिलरली तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा जहां पर एक रेंज होता है जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सके, है ना। अब ये जो फील्ड है ये तो जहां से चार्ज शुरू होकर के वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, जहां पर भी मास है, मान लो कि अगर अर्थ है तो अर्थ से शुरू होकर के वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए ना दो तरीके से इसको समझा जाता है। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग ये देखते हैं कि इसका एक्चुअली क्या क्या कैरेक्टर होगा, कैसे कैसे ये ना वैरी कर रहा होगा, और क्वांटिटेटिव में हम लोग देखेंगे कि अमाउंट हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, है ना। क्वालिटेटिव में जो फर्स्ट चीज जो आता है वो आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये क्या है साहब, ये एक इमेजनरी लाइन है, जो किसी किसी भी एक्चुअली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर ड्रॉ किया जाता है, और वो एक्चुअली ड्रॉ कुछ ऐसा किया जाता है कि उसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा होता है। जैसे मान लो एक एक, एक चीज को और यहां पे तुम्हें समझना होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। अब ये है क्या, वो जो समझते हैं, अब अगर मान लो कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना कुछ जनरेट कर रहा होगा, ताकि किसी और चार्ज को अगर हम लाए तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाए। अब ये जो फोर्स जो जो तुम्हारा लगा रहा होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, जो तुम्हारा ये उसी डायरेक्शन को बस दिखा रहा होता है कि उस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे आउटवर्ड लगा रहा होगा, यहां पर ले आएंगे तो ये कहीं कुछ ये साइड लगा रहा होगा, यहां ले आएंगे तो यहां लगा रहा होगा। अरे समझ पा रहे मेरी बात को, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा इस रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहां पर किसी अगर पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये फोर्स जो आएगा वो कहीं कुछ ये साइड आएगा। अच्छा अब हम लोग कन्वेंशनली जो है पॉजिटिव चार्ज से हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है, और ये जो तुम्हारा टर्मिनेट हो रहा है या तो नेगेटिव चार्ज पे होगा या इन्फिनिटी पे होगा। अब यहां पर कोई और नेगेटिव चार्ज है नहीं तो ये तुम कहीं पर भी अगर जाओगे तो वो तुम्हारा इन्फिनिटी की ओर लाइन तुम्हारा चलता चला जाएगा। यही सपोज करके अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो यहां से लाइन आता और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जा करके टर्मिनेट करता। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये फिर से हम एक्चुअली बता रहे हैं कुछ नहीं है, ये तुम्हारा इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए है कि हाँ इस रीजन में फोर्स कितना स्ट्रांग है या फील्ड कितना स्ट्रांग है। हेलो सर, यहाँ पर टर्मिनेट मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट मतलब ये जो लाइन जो तुम बनाए ये जाकर के वहां पर खत्म हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से हो रहा है ये लाइन, जैसे अगर लाइन बनाए तो कुछ इसका भी ये डायरेक्शन भी है,
तो अब यहाँ से ये एक्चुअली शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है तो कहीं तो जाकर के खत्म होगा। तो अगर तेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होगा, और तुम्हारे पास इन केस ऑफ कोई अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो फिर तुम्हारा सीधा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली मान लो कि सिंपली तेरे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये इन्फिनिटी से रेज आता हुआ प्रतीत होगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, रियल लाइफ में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नहीं जानता है कि ऐसा कुछ लाइन भी होता है। ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज दिखाने के लिए कि हाँ किसी चार्ज के ना चारों साइड एक रीजन है जहां पर हम लोग फोर्स को फील कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वहां से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये तुम्हारा ओरिजिनेट होगा, और ये अगर तुम्हारा टर्मिनेट कहां पे होगा, आइदर एट इंफिनिटी या एट नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इसके लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो एक्चुअली बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो आइदर इंफिनिटी से आता हुआ प्रतीत हो या किसी पॉजिटिव चार्ज से आता हुआ प्रतीत हो। अब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिंपली सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इन्फिनिटी से रेज आता हुआ दिखा देंगे। ये सॉरी रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा एक चीज को और समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मेन सिग्निफिकेंस है ना वो ये है कि वो किसी भी पॉइंट पर वो फोर्स के डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। जैसे तुम खुद से सोच, ये अगर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर यहां पर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो डेफिनेटली फोर्स जो रहेगा वो आउटवर्ड ही लग रहा होगा। यहां पर रखेंगे तो वो आउटवर्ड ही लगेगा, यहां पर रखेंगे तो वो आउटवर्ड ही लगेगा, यहां पर रखेंगे वो आउटवर्ड ही लगेगा। ये इस फोर्स के डायरेक्शन को एक्चुअली दिखा रहा होता है। अच्छा अब तुम खुद से सोच कि अगर यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा? अरे नहीं खींचेगा। हेलो, अरे समझ नहीं पा रहा क्या? हम अगर किसी निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो हमारा फोर्स का ना डायरेक्शन क्या होगा, तुम बताओ? अब अपनी ओर ही तो खींचेगा। हेलो यस सर। अरे सही है ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब मान लेते अगर थोड़ा सा ना इसको और अच्छे समझाता हूँ सर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर इसके पास पॉजिटिव रखने के बजाय नेगेटिव रख देंगे तो इसका तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन हम तुमको ये चीज क्या बताए कि बाई कन्वेंशन, हम उस टाइम में भी बता रहे थे कि बाई कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के लिए ये माना गया कि यहाँ से रेज शुरू होता है और वो आइदर नेगेटिव चार्ज पर या पॉजिटिव चार्ज पर खत्म हो रहा होगा। अब इसलिए जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक एक्चुअली नेगेटिव रख दिए, तो तुम खुद से देख अभी जैसे हम तुमको दिखाते हैं हम तुमको दिखा रहे हैं सब दिखा रहे हैं। देख ध्यान से समझना, देख मान ले ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक यहां पे ले आए नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? अब बाय कन्वेंशन हमको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा मेरे को एक चीज पता है, कि ये हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? कि अगर वहां पर थर्ड कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, कोई अगर टेस्ट चार्ज लाएंगे, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो बाय कन्वेंशन जो टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। तो कोई अगर थर्ड टेस्ट चार्ज को अगर हम लाएं तो यहां पर लाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स हमारा मतलब किस डायरेक्शन में होगा, तुम खुद बताओ। ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स तो यही से एक्ट करेगा ना? अरे नहीं समझा मेरा बात को?
सिमिलरली मान ले कि अगर एक रे ऐसे जा रहा था और एक रे ये फिर अब घूम करके तो ऐसे ही आएगा, लेकिन अब अगर यहाँ पे जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर तुम ना टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, अरे टेंजेंट समझता है ना, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो फोर्स के डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। अब स्ट्रेट लाइन में तो ठीक है, अब मान लो कि कोई अंदर कर्व लाइन दे दिया ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पक्का इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर फोर्स कहां पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, अरे समझ पा रहा है? Yes, अच्छा, मैं भी तुमको ये चीज समझ में आए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, यही डायरेक्शन क्यों हो रहा है, तो एक चीज को समझते। अरे हेलो, yes, समझ लीजिए, मान ले कि मैं जब तुम इस चार्ज के जब क्लोज था, अरे ध्यान से समझ रहे हैं, मान लो कि जब इस चार्ज के जब तुम क्लोज था, तो ये जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स F1 तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा होगा, नहीं होगा? yes. और जब तुम ये अपनी ओर भी खींच रहा होगा, नो डाउट, लेकिन ये जो फोर्स होगा ये थोड़ा इससे छोटा होगा। अरे सही है ना यार? तो इन दोनों फोर्सेस का अगर वेक्टर सम लोगे, तो वेक्टर सम में जो तुम्हारा रिजल्टेंट आता है वो हमेशा क्लोज टू जो तुम्हारा बड़ा फोर्स, मतलब जो तुम्हारा बड़ा वेक्टर है उसके क्लोज रहता है। अरे ये सीखा होगा तुम लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हमारा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा होता था, तो आर को हम लोग सॉरी ये यहां पे हम लोग टेन अल्फा लिखते थे, याद है क्या? टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये साइड बी वेक्टर ले लेते थे जो थीटा एंगल पर है, तो ये एंगल भी थीटा, तो इसको लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे भूल गया क्या यार तुम लोग? याद ही नहीं बताओ? किसी भी दो एक्चुअली वेक्टर को जब हम लोग जोड़ रहे होते हैं, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो ना बड़े वाले वेक्टर के क्लोज होता है। जब दोनों इक्वल रहेगा तो ये फिर एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये वाला अगर बड़ा रहता तो ये इसके क्लोज आता। अरे समझ पा रहा है? हाँ, अब अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये इसके एक्चुअली क्लोज होगा, तो इसलिए तुम अगर ध्यान से समझो तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और यही चीज तुम अगर यहां पर क्लोज जाकर के देखो तो अब ये वाला फोर्स तुम्हारा डोमिनेट लगा होने, तो इसलिए जो इसका डायरेक्शन है मतलब अब कुछ इस टाइप से आएगा। अरे समझ पा रहा है? yes. भाई ये वाला F1 इसलिए बड़ा है क्योंकि ये डिस्टेंस ये इसके क्लोज है। फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कौन पास में है बताओ? अरे इसमें और इसमें कौन पास में? जो पास में होगा वहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, जो दूर वाला होगा उसमें फोर्स कम लगेगा। हेलो, यस सर, कौन है ये? हाँ तो अब सुनो, मान ले कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहता तो क्या होता?
मान ले कि अगर दोनों तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अब क्या होता? अब तुम खुद से सोच कि यहां से फील्ड लाइंस निकलता, ये साइड से भी फील्ड लाइन आता, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर किसी अगर चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो ये दोनों लाइन आता, मतलब ये इस साइड फोर्स लगा रहा है, ये साइड फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कहां लगता? अपवर्ड। हेलो, यस सर। तो इसको ऐसे ना दिखा करके इसको ऐसे दिखाते हैं, अरे समझ पा रहा मेरी बात को? हेलो, ये समझ नहीं आया, छोड़ दे, आउट ऑफ सिलेबस है। अरे हम बार बार बता रहे हैं कि कहीं पर भी अगर तुम अगर जाओगे यहां पे, अगर हम फोर्स को अगर रखें, सॉरी यहां पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखें, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दें, यहाँ पे हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि ये इसको इस साइड फोर्स लगा रहा होगा, इसका ये साइड फोर्स लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स कहां लगेगा? इन दोनों के बीच में ही तो कहीं पे एक्ट होगा। अरे हुआ नहीं हुआ यार? यस। एक फोर्स अगर मान लो कि ये साइड एक्चुअली कोशिश कर रहा है, ये साइड कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स कहां लगेगा? ये कहीं अपवर्ड में तो एक्ट करेगा ना? यस। हाँ, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट तुम सीख सकते हो क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेगा, मान लो कि अगर तुम इसके लिए ये साइड बनाओ और इसके लिए ये साइड बनाओ, तो इस पॉइंट पर तो नेट फोर्स का दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक तुम बोलोगे वो साइड, एक तुम बोलोगे ये साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना? तो तुम कहीं कहीं एक्चुअली मतलब किताबों में देखोगे लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम अगर इंटरसेक्शन दिखाओगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे तुम अगर एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो तुमको दो टेंजेंट मिलेगा। अब एक ही पॉइंट पर फोर्स का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? अरे समझ में आया मेरा बात? अरे सही है ना? हेलो, यस सर, यस सर। अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, कोई डाउट? अच्छा, हटा या सर कोई? ये सब तो हम लोग क्वालिटेटिव देख रहे हैं कि अच्छा, तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा होगा। एक और चीज को समझ कि अगर कहीं पर भी फील्ड लाइंस ज्यादा है, मान लो कि अगर एक पॉइंट यहां पे अगर हम लोग लें और एक पॉइंट मान लो कि अगर यहां पे लें, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बताओ? पहले वाले पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइंस बहुत ज्यादा है, डेंसर है, यहाँ पे लाइन कम है। अरे समझ पा रहे हो? ये भी क्वालिटेटिव स्टडी है कि तुम उसके फिगर को देख करके तुम एक्चुअली बताओगे कि कौन कम है, कौन एक्चुअली कितना है, ये हम नहीं बता सकते इसको देख करके, लेकिन इसको देख करके ये चीज बता सकते हैं रफली कि अच्छा यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा और यहाँ पर फील्ड कम होगा। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर। अच्छा, अब एक चीज को और समझते हैं। यूजुअली वैसा कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर मेरे पास 5 कूलम का एक्चुअली चार्ज है और इससे हम दिखाए कि भाई साहब चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, अगर हम ये चीज डिसाइड कर लिए कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है, तो अगर हम 10 कूलम चार्ज को अगर दिखा रहे होंगे तो हमको 8 फील्ड लाइंस दिखाना होगा। अरे समझ रहा है मेरी बात को?
अब अगर 5 कूलम चार्ज में हम अगर 4 फील्ड लाइन्स दिखा रहे हैं तो ना 10 में मेरे को 8 दिखाना होगा। ये हमारे ऊपर है। हम अगर मान लो कि 2 ही दिखाते हैं कि नहीं नहीं 2 ही निकल रहा है, तो यहां पर फिर मेरे को पूर्ण 4 दिखाना पड़ता। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? Yes, sir. कितना फील्ड लाइन निकलेगा वो हम डिसाइड कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो इमेजनरी चीज है ना, ये तो हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेंथ को। तो अब अगर हमने डिसाइड किया कि अच्छा 5 कूलम चार्ज से अगर 2 रेज निकल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, तो अब अगर 10 कूलम आएगा तो मेरे को 4 दिखाना होगा, तो ही तो मेरा बात ठीक होगा कि हाँ भाई ठीक ही बोल रहा है। अरे यार अब ऐसा नहीं है कि 5 कूलम दिखाओ बोलो कोई नहीं निकला, तो फिर 20 में भी कोई नहीं निकला, फिर 100 में भी कोई नहीं निकला, वैसे ना कर देना। हेलो Yes, अरे समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना भी निकाल रहे हो अभी, जैसे मान ले एक और एग्जांपल समझाते हैं कि अगर एक दे दिया 2 कूलम, एक दे दिया ये साइड -2 कूलम, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखाए, ये सही है या फिर गलत है? अरे ये सही है या फिर गलत है? यहां से देखो, यहां से अगर 7 हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकाले तो ये 2 है वो -2 है, और तो वहां पर तो 7 दिखाना होगा ना, समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर। इसमें भी फिर हमको 2 और दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो फिर खैर गलत हो जाएगा ना रिप्रेजेंटेशन में। अरे सही है ना? Yes. अरे आया नहीं आया? आया सर। वैसे जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं तो पॉजिटिव का नेट फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव की तरफ होता है या फिर इधर उधर भी जाता है? क्या 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 फिर से बोलो, समझे नहीं। जैसे सर इसी में 2, जैसे ये पॉजिटिव है 2q और -2q नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 2q का सारा नेट फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव 2q की तरफ होगा या फिर उसका इधर उधर भी जाएगा चार्ज? देखो सुनो, कोई चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज को पे ध्यान दे, कोई चार्ज कहीं नहीं जा रहा, ये तो जस्ट फील्ड का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि अगर यहाँ पर आएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तुम खुद से बताओ कि अगर यहाँ पे अगर तो हम लोग रहेंगे तो फोर्स का भाई डायरेक्शन क्या होगा। एक तो ये वाला चार्ज जो है ये इसके ऊपर कुछ ये साइड फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? तो इन दोनों का जो भैया रिजल्टेंट है ये कहीं कुछ बीच में आ रहा होगा। Yes. अरे समझ में आया मेरा बात? Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे देख ले, मान ले कि अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा साहब, ये वाला इसको इस साइड खींच रहा होगा और ये वाला इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट है वो ये वाला टेंजेंट जो आएगा वो ये वाले पे देगा। समझ पा रहा है? ये एक्चुअली वेक्टर समेशन है कि अगर एक वो साइड खींच रहा है एक ये साइड खींच रहा है, तो जो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा, नहीं आएगा? सही है ना? अच्छा, अब एक चीज का बस तुमको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कट कर देगा ना तो इस पॉइंट पर सोचो कि एक डायरेक्शन तुम ऐसे भी ले सकते हो और एक डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो, नहीं ले सकते? अरे ये भी तो बाई टेंजेंट हुआ इस पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट पे तुम्हारे पास 2 डायरेक्शन हो गया फोर्स का, जो पॉसिबल ही नहीं है, कोई एक ही डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का। हेलो, सही है ना? आया सर, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि नेट फ्लो किस तरफ होगा, मतलब फिर से बता रहा हूँ, फ्लो वगैरह कुछ नहीं है, तुमको बस ये चेक करना है कि यहाँ पर अगर किसी थर्ड पॉजिटिव चार्ज को ला दे तो वो किस साइड मूव करेगा। अच्छा, ओके। अरे समझ में, कोई फ्लो वगैरह नहीं है, बस हमको क्या चेक करना है कि अगर किसी थर्ड टेस्ट चार्ज को अगर लाए ना तो वो मूव कहाँ करेगा, वो ये डायरेक्शन दिखा रहा होता। मान लो कि अगर थर्ड पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पे ले आए तो ये जो डायरेक्शन है पक्का ये साइड मूव करेगा। अरे समझ पा रहा है मेरी बात को? Yes, sir.
किसी को अगर यहाँ पे ले आए तो ये ना पक्का इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हेलो yes, अरे आया नहीं आया ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपने देखो ये क्या है, ये एक्चुअली रीजन बना लिया कि अच्छा यहाँ पर कुछ रीजन है। अब इस रीजन में जैसे ही कोई तीसरा चार्ज जाएगा तो वो कुछ तो फोर्स फील कर रहा होगा ड्यू टू इन दीज टू। हेलो यस सर। अब वो जो वो फील करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टेक्निकली हम लोग वो चीज फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा किसी ये दोनों के चलते जो रीजन बना है अब इसमें कोई अगर तीसरे को लाएंगे तो वो कहां मूव करेगा। देखो कल पहले जो चीज बता रहे थे, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम के ऊपर कि भाई साहब यहां पर ला करके अगर हम छोड़ दें तो वो स्टेबल रहेगा। अरे समझ पा रहा है ना, आज आज हम लोग इस बात पर एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तीसरे चार्ज को अगर ला करके छोड़े तो वो किस साइड मूव करेगा। हेलो okay. वो जिस साइड मूव करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा उसी को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा। कल हम लोग इक्विलिब्रियम का बात कर रहे थे, आज उससे एक लेवल उठ करके हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो कहीं तो मूव कर रहा होगा ना मेरा भाई। हेलो yes, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो ये फाइंड आउट करने का ये हमारा क्वालिटेटिव स्टडी था रफली, कैसे यहां पे रखेंगे तो फील्ड ये साइड ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है तो नेट कहीं वो साइड जा रहा होगा। अरे समझ में नहीं आया क्या यार। आ गया समझ में सर। हमेशा इसमें ये दोनों पर कंफ्यूज मत हो कि ये दोनों कुछ कर रहा है, नहीं ये तो एक रीजन बना रहा है। अगर तीसरे को लाएंगे तो उसके ऊपर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, टेक्निकली हमको वो चीज देखना है। अरे अर्थ और सन के बीच में अगर मान लो मून जब आता है तो इफेक्ट पड़ता है ना यार, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पता नहीं क्या क्या बोलता है उसको। यस सर। अरे होता है नहीं होता। यस सर आगे चलिए। अरे सबको क्लियर है ये। बोले नहीं, नहीं। चलो आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे तुम्हारे बुकलेट में एक एक दो प्रॉब्लम इसके ऊपर है बोल करके हम इतना ज्यादा डेप्थ में जा रहे थे, नहीं तो सच पूछो तो क्लास टेंथ के सिलेबस में ना कुछ नहीं है ये सब चीज। अब तुम्हारे ये में ना बुकलेट में दिया हुआ बोल करके इतना डेप्थ में हम जा रहे थे नहीं तो यहां तक का नीड ही नहीं था। कौन सा प्लम वाला समझा था। यहां तक का मैं नीड ही नहीं था तुम्हारे लिए। अरे फिर भी लेकिन एक रफ आइडिया तो होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहीं और अगर इक्विलिब्रियम से हट के किसी पॉइंट पर अगर हम किसी साइड चार्ज को रखें तो क्या होगा, वो किस साइड मूव करेगा, है ना। अरे एक रफ आइडिया तो होना ही चाहिए ना यार। हेलो यस सर। अब तुम खुद से ही सोच ना। हाँ कुछ नहीं से कुछ तो सही है कि तुमको हम ये नहीं करेंगे तुमको देखो एग्जैक्ट आइडिया तो मतलब फिलहाल वो तुम्हारा काम नहीं है लेकिन एक रफ आइडिया तो होना ही चाहिए कि कल जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पे ना बात किए थे अब अगर उस पॉइंट को छोड़ करके और कहीं भी रखें तो कुछ तो हो रहा होगा, बस वही चीज को दिखा रहे थे और कुछ नहीं है। कोई भी अगर जैसे हमको बोल दिया, मान लें कि अगर हमको बोल दिया कि ये है -10 क्यूब और ये है +क्यूब, है ना। अब तू खुद से बता कि अगर यहां पे किसी किसी चार्ज को अगर हम छोड़े तो क्या होगा, ये डेफिनेटली ये साइड आएगा नहीं आएगा, समझ नहीं पा। तो ये दोनों स्टेबल है। हाँ फिक्स है। ओके। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो जो क्यों रखे हैं बीच में जो
ये क्या है? अच्छा ये वाला, ये हमेशा हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही होगा तुम्हारे लिए, until unless mention नहीं, हमेशा टेस्ट चार्ज तुम्हारे लिए पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। अरे सर, एक बार वो बता दो कि ये f का डायरेक्शन, f नेट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जब बहुत ज्यादा दूर पे प्रेजेंट हो ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल होगा पॉजिटिव q वो हल्का सा दूर पे हो। अरे यहाँ ले ले, यहाँ ले, कहाँ ले? यस सर, यहाँ ले ले। हाँ, तो अब यहाँ पर लेंगे तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, नहीं खींचेगा? यस सर। और वो इसको ठेल रहा हो, को का धक्का देगा। अरे वो तो पॉजिटिव चार्ज है ना यार, तो वो तो सॉरी, वो ये साइड में हो खोक करके, ये कहे हाँ कहीं कुछ मान ले कि ये साइड कहीं कुछ धक्का दे रहा है, सही है ना? हेलो, इस थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया वो ना, बॉडी बॉडी तुम्हारा खत्म हो जा रहा। चलो यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, ठीक है ना? अब ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, नहीं खींच रहा है? यस सर। और इसका रोल क्या है सर? ये इसको धक्का दे रहा होगा, सही है ना? यस सर। अब इन दोनों फोर्स का हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? एक फोर्स ये साइड है, एक फोर्स ये साइड है, तो ये कहीं बीच में आएगा। हेलो, यस सर। अरे दो एक्चुअली वेक्टर समेशन लेते हो तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता है तो बीच में ही कहीं पर तो आता है ना यार, वेक्टर समेशन भूल गए तुम, क्या कर रहे हो? सर याद है। हाँ, तो अगर एक वेक्टर ये साइड है F1, एक वेक्टर ये साइड है F2, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा। यस सर। अच्छा, F1 को शिफ्ट करा के चेक। क्या क्या? हाँ, इसको शिफ्ट कर ले यार पे, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ बीच में ही तो आएगा यार, कहीं भी ले ले। यस सर। अब एक चीज क्या होता है कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, वो हमेशा जो तुम्हारा बड़ा वाला वेक्टर है उसके क्लोज होता है। जैसे ये दोनों अगर इक्वल रहता तो बिल्कुल एकदम बीच से जाता, समझ पा रहा है? यस सर। लेकिन ये चूंकि इक्वल नहीं है तो ये जो चीज जो है ना, ये तुम्हारा थोड़ा सा बेंड हो करके ये साइड आएगा, समझ में आया मेरे को? सर अगर जो उनका मैग्नीट्यूड दिया होता है F1 और F2 का, तो हम लोग इसका जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। निकाल लेते, क्या दिक्कत है? ये अगर तुमको तो एंगल भी दिया हुआ है तो भाई नेट मैग्नीट्यूड तो निकल ही सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? ओके सर, सही है ना? हेलो, अरे सही है ना? यस सर, यस सर। अब आते हैं कि अगर मान ले इसका, अगर हम तो हम लोग क्वांटिटेटिव अगर स्टडी देखें कि मैग्नीट्यूड में कितना होगा, ये जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ है, कुछ एक्चुअली रीजन है। अब वो रीजन तो है जहां पर फोर्स फील कर रहा है, लेकिन अब अगर उस रीजन को अगर देखें कि उस नहीं है, अरे कौन है बे? दाना पानी लगाने जा रहा है क्या? कौन है ये? अरे भैंस को ना दाना पानी दे दे। हाँ सुनो, मान ले, समझिए इस चीज को, मान ले। अब क्या है कि ये तो था हमारा तुम्हारा क्वालिटेटिव स्टडी। अब अगर एक्चुअली क्वांटिटेटिव में अगर देखें, जैसे क्वालिटेटिव में अब तक हम लोग रीजन देख रहे थे कि अच्छा यहाँ पर फोर्स जो है वो कम है, यहाँ पर ज्यादा है ना, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, वहां पर वो डायरेक्शन है, फलाना ढमकाना, बहुत सारे चीज देखे। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। अब हम लोग उस रीजन के अगर क्वांटिटेटिव स्टडी पर अगर जाए कि भाई अमाउंट हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा
इसको हम लोग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे मान लो कोई अगर मेरे पास चार्ज था और इस चार्ज के आसपास एक छोटा सा चार्ज लाए क्यू, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैथमेटिकली, तो ये लोग जितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स कितना लगा रहा होगा, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस अगर आर है तो आर स्क्वायर, ये क्या हो गया फोर्स। अरे हुआ नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, इस क्यू को अगर ये साइड ले आए तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज जो हुआ, इसी को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अरे समझ पा रहा मेरी बात को? यस सर। अब तू खुद से सोच कि अगर यहां से यहां चला आया, तो हम लोग क्वालिटेटिव में पहले से ही देख चुके हैं कि जैसे जैसे क्लोजर आओगे वैसे वैसे फील्ड तुम्हारा बढ़ता जाता, नहीं बढ़ता था? यस सर बढ़। अब यहाँ पे तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि अगर यहां तक चलाया तो ये वाला आर कम हुआ, तो ये वाला चीज इंक्रीज हो जाएगा। अरे यार बिल्कुल यहां पर अंदर तुम ना चले आओगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बहुत कम हो गया। और यही चीज अगर यहां पे तुम मान लो कि अगर पहुंच गया तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में फील्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि अरे डिस्टेंस बढ़ गया ना। हेलो। यस सर। अरे मैथमेटिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। अब तक हम लोग देख रहे थे क्वालिटेटिव में कि हाँ वो लाइन निकल रहा था, लाइन वैसे ऐसे निकल रहा था, और उसमें हम लोग बता रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर कम है। अब हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं कि वो चीज क्यों कम है। हेलो सर, इसमें क्यू टेस्ट चार्ज है। हाँ, क्यू टेस्ट चार्ज है जिस चार्ज को तुम लाए हो। अरे सही है ना? यस सर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर लाए, हमको फील्ड मिल गया ये, तो फील्ड का अगर हमको तो अमाउंट भी मिल गया ये, सही है ना? हेलो। यस सर। अच्छा, अब ये अगर मान लो कि भैया टेस्ट चार्ज मिल गया, अब इस ये हमारे पास यहाँ पर अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसी चीज को देख तुमको दो तीन दिन पहले हम एक चीज बताए थे, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई। अरे बताए थे क्या? अरे कोई एक ना प्रॉब्लम जो शायद तुम पूछ रहा था। अरे ये यहीं से आया है, देखो ना, एफ बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू टाइम्स ई। अरे नहीं लिख सकते। यस सर। यहीं से वो चीज आया था जो चीज जो तुम पूछ रहे थे, वो एक्सेलरेशन पता नहीं क्या क्या था, मास वास कुछ दिया हुआ था। अरे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। देखो मैथमेटिकली इसको समझना आसान है, जो इसके पहले वाला जो एक्चुअली कहानी था ना, ये वाला डायरेक्शन वाला या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला, वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है जो तुम्हारे पास है नहीं, जो तुम सोचना ही नहीं चाहते हो। तुमको तो दाल भात चोखा बना करके दे दिया जाए तो ही तुम खाओगे, है ना? पुलाव उलाव दे तो तुम लोग तो कभी खाते नहीं हो पुलाव वगैरह, तुमको पचता ही नहीं है कि नहीं? अरे आया नहीं आया? आया सर। चलो ठीक। और क्या बच गया इसमें? एक और चीज देख ही लो, इसको भी देख ही लो। एक और तरीका है जिससे इस रीजन को कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। एक और तरीका है जिससे इस रीजन को जैसे अब इसी रीजन को कैलकुलेट करने का फर्स्ट तरीका क्या था? क्वालिटेटिव, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे थे। सेकंड तरीका था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थर्ड तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को समझते हैं कि ये एक क्या बला है ना। मान ले कि अगर कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अब अगर एक और पॉजिटिव चार्ज को अगर इंफिनिटी से धीरे 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 यहां तक खींच के ले आए,
तुमको शायद याद होगा हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे, याद है क्या? यस सर, नेगेटिव जी एम एम बना। हाँ, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड आउटवर्ड लगा रहा होगा, और नहीं लगाएगा किसी भी डायरेक्शन से आओ। अब अगर किसी, तुम खुद से सोच कि अब अगर किसी तीसरे चार्ज, मतलब सॉरी ये जो दूसरा चार्ज है, इसको हम अगर ला रहे हैं यहां से धीरे धीरे करके, अगर हम यहां तक ला रहे हैं, तो ये जो चार्ज है ये फोर्स कहां लगा रहा है? आउटवर्ड लगा रहा है ना? यस सर। अच्छा, और हमको अगर यहां तक लाना है तो हमको फोर्स कहां लगाना पड़ रहा है? इसके अपोजिट, अरे लगाना पड़ रहा है ना? यस सर। अब तू खुद से सोच कि अगर जो हमारा जो वर्क डन होगा, हम कहां फोर्स लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हो रहा है? यही डायरेक्शन में हो रहा है, सही है ना? हम अगर यहां से खींच के अगर यहां तक लाए तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का भाई डायरेक्शन का है, यही साइड है। और हम कहां फोर्स लगा रहे हैं? हम भी तो यही साइड लगा रहे हैं। यस सर। तो अब तुम खुद से सोचो कि वर्क डन, अब हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी फोर्स के अगेंस्ट, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। Yes, सही है ना? Yes, sir. समझ नहीं पा रहा। अच्छा, तो एक चीज जैसे वहां पर तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन था, ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वहां पर तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था, याद कर? वर्क डन पर यूनिट मास। यहां पर ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हेलो, अरे समझ नहीं पा रहा। यस सर। अरे किसी भी पॉइंट पर अगर हम किसी तीसरे चार्ज को, सॉरी दूसरे चार्ज को अगर ला रहे हैं, तो हमको कुछ वर्क करना होगा ना भाई? तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा, वो उस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है। क्या है साहब? इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज। हेलो। यस सर। अच्छा, अब तू खुद से सोच कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में अगर मान लो यहां पे लाके छोड़े, यहां पे लाके छोड़े, यहां पे लाके छोड़े, तो तीनों का ना तीन वर्क डन होगा, नहीं होगा? यस सर। यस, डिस्टेंस अलग, डिस्टेंस डिफरेंट है भाई साहब। तो डिस्टेंस डिफरेंस है, अगर गैप है डिस्प्लेसमेंट का, तो पक्का है कि तुम्हारा पोटेंशियल में भी गैप आएगा। यस सर। यस सर। अब तू खुद से बता, तुम खुद से बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक अगर पॉजिटिव चार्ज को, मतलब टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग इन्फिनिटी से ए पे लाए, इन्फिनिटी से बी पे लाए, और इन्फिनिटी से सी पे लाए, किस पॉइंट पर हम, मेरे को वर्क डन ज्यादा करना होगा? सी। सी। सी पे। यस। तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी। सी पे। सी का। किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी का। अरे मान तो बात को। यस सर। फिर बी का, फिर ए का। अरे यार, हेलो। यस सर। समझ ही नहीं पाया मेरा। यस सर, आ गया। सही है ना? अब ये भी देख, तो ये भी एक तरीके से इस रीजन को ही दिखा रहा है कि अच्छा यहां पर मतलब कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहां पर कुछ कम है, यहां पर उससे भी कुछ कम है। अरे समझा नहीं समझा? समझे। तीन तरीके से इसी रीजन का स्टडी कर रहे हैं। पहला हम लोग स्टडी किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, जो हम लोग क्वालिटेटिवली देख रहे थे। सेकंड हम लोग देखे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई साहब, कि पोटेंशियल वाइज हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे वर्क डन ज्यादा लगा था, ये वाला पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा, इस पे कम, इस पे और कम, इस पे और कम, इस पे और कम। समझ ही नहीं पा रहा। अरे आया नहीं आया। यस सर। सर इसमें पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें, हाँ डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको वर्क करना पड़ेगा। यस सर।
अरे आया नहीं आया? आया सर, सही है ना? अच्छा अभी क्या है, एक चीज को और समझते हैं। अभी ये सब रफली आज के क्लास में तुम्हारा वो जो टॉपिक है ना, ये सब चार्ज वार्ज सब खत्म ही कर दे रहे हैं। कल से हम लोग जो प्रॉपर क्लास 10 टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब चीजों को समझना होगा। यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? हाँ। अब सोचते हैं चार्ज का ना एक बड़ा शानदार प्रॉपर्टी है कि ना चार्जेस कैन फ्लो। हर कुछ फ्लो नहीं कर सकता, हम और तुम फ्लो नहीं कर सकते। हेलो, हम लोग थोड़ी उड़ सकते हैं। बहने का जो एक्चुअली प्रॉपर्टी है ना, वो सबके पास नहीं होता। बहने का जैसे एक्चुअली प्रॉपर्टी लिक्विड के पास है, एयर के पास है, लेकिन सॉलिड के पास बहने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो तुम्हारा बहने का एक जो ना प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा चार्जेस के पास भी है कि चार्जेस कैन फ्लो। अब कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज जब फ्लो होता है तो वो हायर टू लोअर होता है। अब वो हायर पॉइंट पे कई बार हायर पोटेंशियल बोलते हैं, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे वाटर है, तो वाटर का अगर फ्लो है तो वो हाई टू लो होता है, लो से हाई थोड़ी होता है। गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में ही क्यों मिलती है? बचपन में हम सोचते थे कि कितना बेवकूफ लोग है, समुद्र से ही निकालो पानी और जितना नदी बनाना है भैया बना लो, क्या दरकार है, सूखा का तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा। सोशल साइंस में हमको रटवाया जाता था, पता नहीं, राजस्थान में एकमात्र नदी जो हम जानते थे वो था लूनी, याद है क्या? पता नहीं, अब हमें भी रटवाया गया। अच्छा, तुमको भी रटवाया गया? यस सर। तो राजस्थान में एक नदी हमको रटवाया जाता था, लूनी, है ना? अब कि भाई राजस्थान में एक ही नदी है जिसका नाम है लूनी, और हम वो कैलकुलेट करते थे कि अच्छा राजस्थान से अंदर समुद्र का बॉर्डर देखें तो बस गुजरात ही तो क्रॉस करना, बस कच्छ की खाड़ी को ना क्रॉस किया और समुद्र चला आया, तो दिक्कत क्या, वहां से ले आएंगे पानी, है ना? बाद में हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अच्छा एक्चुअली पोटेंशियल नाम का भी कोई चीज होता है, कि गंगा बंगाल की खाड़ी में इसलिए जाके मिलती है क्योंकि वो स्लोप वैसा है कि नहीं यार? हेलो, यस सर। तो हमेशा कोई भी चीज जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है, लोअर टू हायर के लिए वर्क डन करना पड़ता है। जैसे कोई अगर बच्चा लास्ट आ रहा है, उसको अगर फर्स्ट आना है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है और उसको लास्ट आना है तो उसको क्या, कोई वर्क डन नहीं करना, आराम से रिलैक्स रहो। अरे समझा कि नहीं यार? अरे समझा कि नहीं बात को? यस सर। अरे सही है ना? अब यहीं से तुम अगर देखो तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक यहां पर किसी और पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो फिर क्या होगा? ये तुम्हारा फ्लो होगा, ये इसको भैया रिपेल करेगा तो ये दूर जाएगा। यही कोई और अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अगर ले आए तो ये तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? यस सर, है ना? तो बाई कन्वेंशन क्या किया गया, बाई कन्वेंशन क्या किया गया कि पॉजिटिव चार्ज को बोला गया कि ये हमेशा हायर पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि अब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक और टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो इसका फ्लो कहां होगा? आउटवर्ड होगा। मतलब बोला गया कि अच्छा ये वाला पॉइंट का जो एक्चुअली पोटेंशियल है और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये फ्लो कहां से हो रहा है? यहां से यहां हो जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। मतलब चार्जेस हम तो हमेशा कहां से फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होगा। अरे समझ में आया मेरा बात? यस सर। अब तू सोच कि अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रहता तो नेगेटिव चार्ज में अगर हम लोग एक पॉइंट यहां ले लें सी, यहां ले लें डी, अब अगर यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दें तो ये फ्लो कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, नहीं होगा? यस सर।
यस सर। अब इसमें हुआ क्या समझते हैं कि बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज को माना गया कि हमेशा हायर पोटेंशियल है, तो क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को अगर देखें तो चार्जेस तो इसी की ओर आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा बात, अरे सही है ना। चलो कल इसके बाद देखेंगे वो तुम्हारा कंडक्टर वगैरह, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, पता नहीं क्या क्या चीज को आता है इसमें, उसके बाद प्रॉपरली तो हम लोग कल से इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा।